मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिपट की तरह। किसी समय लिपट तो बंद हो सकती है पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि पहले कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी है श्वेत क्रांति से, ऑप्शन नंबर सी है नीली क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। सवाल नंबर 2 है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए है अधिक उपज देने वाले बीजों से, ऑप्शन नंबर बी है जौ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर सी है चावल के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी है गेहूं के उत्पादन से। ही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। सवाल नंबर 3 है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 4 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है अरहर एवं चना, ऑप्शन नंबर बी है मूंग एवं उड़द, ऑप्शन नंबर सी है चावल एवं मिलेट, ऑप्शन नंबर डी है मक्का एवं मूंगफली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंग एवं उड़द। सवाल नंबर 6 है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए है कपास का, ऑप्शन नंबर बी है तिलहन का, ऑप्शन नंबर सी है दलहन का, ऑप्शन नंबर डी है मक्का का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन का। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कोयर बोर्ड तिरुवंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी है स्पाइस बोर्ड कोचिंग, ऑप्शन नंबर सी है कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी है टी बोर्ड कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयर बोर्ड तिरुवंतपुरम। सवाल नंबर 8 है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। सवाल नंबर 9 है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर बी है उद्यान कृषि, ऑप्शन नंबर सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर डी है अंगूर उत्पादन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यान कृषि। सवाल नंबर 10 है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है
आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश।